छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 870,000 कीमत का 174 कार्टून पटाखा पकड़ाया है। पुलिस ने बताया कि सिविल लाइन सारंगढ़ निवासी राहुल अग्रवाल अपने मकान में अवैध रूप से पटाखा मंगाकर भंडारण कर रहा है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर सारंगढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर रेड कर कार्यवाही की गई। तो वहां पर एक टाटा वाहन में लोड 74 कार्टून पटाखा व राहुल अग्रवाल के मकान के अंदर भंडारण किया गया 100 कार्टून पटाखे मिले हैं। मौके पर राहुल अग्रवाल को नोटिस देकर भंडारण का कागजात लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा गया, जो आरोपी राहुल अग्रवाल ने कोई शासकीय दस्तावेज लाइसेंस नहीं होना बताया। बताया जा रहा है कि आरोपी राहुल अग्रवाल का मकान सिविल लाइन जैसी घनी बस्ती में है, फिर भी आरोपी द्वारा ज्वलनशील पदार्थ को अवैध रूप से अपने घर में भंडारण किए हुए था, जिससे भविष्य में कोई भी बड़ी आगजनी की घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। बताते चले कि पुलिस ने आरोपी राहुल अग्रवाल निवासी सिविल लाइन सारंगढ़ व वाहन चालक शैलेंद्र निवासी बैतुलपुर को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।